22,000 करोड़ रुपए की लागत, 340 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण 16 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुल्तानपुर में कूड़ेभार से किया था। अरवल कीरी पर एयर स्ट्रिप से शुरुआत हुई थी। इस बात का जिक्र इसीलिए क्योंकि बीती रात पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा होते होते बच गया। सुल्तानपुर के पास एक्सप्रेसवे की सड़क धस गई। एक्सप्रेसवे पर गुजर रही एक कार उस गड्ढे में गिर गई, जबकि पीछे आ रही करीब आधा दर्जन गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गईं। गनीमत रही कि इस घटना में कार सवारों को मामूली चोटें ही आई हैं, कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। इसमें सबसे पहले हमारे लोकल पुलिस से खबर आई, कप्तान साहब ने और SHO हलियापुर के माध्यम से, तो उसमें तत्काल यूपीडा की जो सिक्योरिटी ऑफिसर हैं उनसे वार्ता की गई, तो तत्काल उनके चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की टीम आ गई थी मौके पर। उन्होंने डाइवर्जन सेट करा दिया था और एक जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस की कार्रवाई तत्काल रात में ही शुरू कर दी गई थी। सुबह तक वो काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया है। जो माइनर इंजरी हुई थी उनको कुमारगंज अस्पताल में तत्काल पुलिस द्वारा भर्ती करा दिया गया था और किसी को ऐसी दिक्कत नहीं। सुबह तक गाड़ियां भी जो रिपेयर होने लायक थी उनको करा दिया गया था। प्राइम FSI यूपीडा के ही एक जो सिग्नलिंग का एक उसमें कॉम्पोनेंट है उसी की खुदाई चल रही थी जिसमें पानी भर गया था, उसी की लीचिंग के कारण वो एम्बैंकमेंट ध्वस्त हो गया था, जिसे ठीक करा दिया गया है और अभी यूपीडा की टीम उच्च स्तर पर लगी हुई है। बहरहाल इस घटना की सूचना मिलते ही रातोंरात एक्सप्रेसवे की सड़क दुरुस्त करवाई गई और छोटी गाड़ियों का आवागमन शुरू कर दिया गया, जबकि भारी वाहनों का रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। कल रात लगभग 9:30 बजे हलियापुर के और कुवासी के बीच 1.83 किलोमीटर के पास सड़क लगभग 15 फीट चौड़ाई और 5-5.5 फीट गहरा गड्ढा हो गया तेज बरसात के कारण। इससे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के घटिया निर्माण की पोल खुल गई। शुरुआत में जब निर्माण हुआ तो उस समय भी एक बार ये सड़क बही थी, तब भी मामला उठा था, लेकिन ये लोग ध्यान नहीं दिए। जल्दबाजी में इस सड़क का निर्माण हुआ है क्योंकि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल था पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। तो कल ये बहुत बड़ा हादसा हुआ, 3 चार गाड़ियाँ उस गड्ढे में समा गई और 4-5 लोग चटहल भी हुए हैं, चटहलों का नाम नहीं पता चल पाया है। और हालांकि सुबह तक उसको गड्ढा मिट्टी से पटाई कर दिए हैं, अब छोटी गाड़ियों का आवागमन शुरू हो गया है और बड़ी गाड़ियाँ अभी भी उधर से नहीं जाने दी जा रही। कब उद्घाटन हुआ था इसका? इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया था, अभी 1 ही साल पहले किया था और उसके बाद ये हाल है इस सड़क का। अगर तेज बरसात और पहले हुई थी, अब की बरसात के सीजन में बारिश भी नहीं हुई तो अब की बरसात की है, नहीं तो ये और जगह जगह फैल जाती है। इसके चारों तरफ सबसे बड़ी बात जल निकासी की सही व्यवस्था भी नहीं है। हम लोग कई बार इसकी शिकायत भी की लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। दावा किया जा रहा था कि अन्य एक्सप्रेसवे की तुलना में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सिर्फ मजबूत ही नहीं बल्कि गुणवत्ता भी है और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आपातकालीन स्थिति में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों के लैंडिंग और टेक ऑफ भी कराई जा सकती है। इसके लिए सुल्तानपुर में 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी का निर्माण भी कराया गया था, लेकिन 2 दिनों से हो रही लगातार बरसात के चलते इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में हालियापुर के पास अचानक सड़क धस गई और लगभग 15 फीट का गड्ढा हो गया।